आई नो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देख रखा होगा कि Realme का जो 10 Pro Plus 5G है और Realme का जो लेटेस्ट स्मार्टफोन अभी लॉन्च हुआ है Realme का 11 Pro Plus 5G, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा, यानी कि प्राइस के हिसाब से कौन सा सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला डिवाइस है और आपके लिए कौन सा ज्यादा बेस्ट रहेगा, इस वीडियो में आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। क्योंकि हमको बहुत ही अच्छे से पता है कि आप लोगों यहाँ पे कंक्लूजन कोई भी नहीं देता। आप लोगों बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बता देते हैं कि भाई इसमें कैमरा थोड़ा सा ज्यादा बेटर मिल रहा है, इसमें आपको डिस्प्ले थोड़ा सा ज्यादा बेटर मिल रहा है, इसमें फलाना मिल रहा है, इसमें ढिमकाना मिल रहा है। लेकिन जब बात आती है कंक्लूजन के बारे में कि भाई हमको बता दीजिए कि कौन सा बेस्ट रहेगा, लेना कौन सा है, तब लोग जो है वहां से दाएं बाएं जो है पतली गली से निकल जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको Realme का 10 Pro Plus 5G भी नहीं लेना है, Realme का 11 Pro Plus 5G भी नहीं लेना है, इसके बिहाफ में कौन सा ज्यादा बेस्ट स्मार्टफोन है वो भी मैं आपको यहाँ पे 2-3 स्मार्टफोन के बारे में बता दूंगा। बस वीडियो को पूरा आराम से देखिएगा जिससे आपको यहाँ पे जजमेंट लेने में आसानी होगा। और सब्सक्राइब वाला खेला जरूर से कर दीजिएगा, नीचे जो लाल कलर का बटन है ना उसे दाब दीजिए भाई, लेट मत कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा। तो इस टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए मैं आपको डायरेक्ट मुद्दे की बात बता देता हूँ कि Realme के जो 10 Pro Plus 5G जब लॉन्च हुआ था ना, तो उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि कर्व डिस्प्ले को छोड़ के इस स्मार्टफोन में कुछ भी नहीं है। बैक का जो पैनल है वो पूरा का पूरा प्लास्टिक का दिया गया और साथ ही साथ उतना अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक भी यहाँ पे यूज नहीं किया गया। जब वो स्मार्टफोन को आप यूज करते हो ना, जब आप फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन को पकड़िएगा, बैक साइड से उतना ज्यादा प्रीमियम फील नहीं कराता। लेकिन अभी के टाइम में जो Realme का 11 Pro और Pro Plus जो लॉन्च हुआ है उसका जो बिल्ड इन डिजाइन है वो देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। बैक का जो पैनल यहाँ पे यूज किया गया वो पूरा का पूरा वीगन लेदर वहां पे इस्तेमाल किया गया और देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और प्रीमियम तो लग रहा है। और जो कैमरा का जो मॉड्यूल दिया गया वो काफी ज्यादा बड़ा दिया गया। अगर आप वो स्मार्टफोन को यूज करते हो तो कवर के साथ ही यूज कीजिएगा। अगर आपने गलती से भी जो है बिना कवर का यूज कर लिया ना, तो इतना बड़ा जो सर्कल वाला डिजाइन वहां पे दिया गया जो कि पर्सनली मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि स्क्रैचेस वगैरह लगने का चांसेस ज्यादा होता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए कि दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा डिजाइन के मामले में, फिर चाहे आप कवर पहना के डिजाइन को छुपा दीजिए, वो बात की बात होती है, वो आपको कोई भी नहीं बताता है। तो मेरे ओपिनियन में यहाँ पे Realme का जो 11 Pro Plus का जो डिजाइन है वो एज कम्पेरिज जो Realme का जो 10 Pro Plus है ना, उससे बहुत ही फार बेटर जो है आपको देखने में अच्छा लगेगा और प्रीमियम भी फील कराएगा बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों ही स्मार्टफोन को अगर आप जज करते हो तो 19-20 का अंतर है, उससे ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जो Realme का 11 Pro Plus है ना उसमें बहुत ही अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। जो प्रोसेसर आपको Realme का जो 10 Pro Plus 5G में मिलता था ना 1080 वाला MediaTek का, वही सेम प्रोसेसर इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन उसी से मिलता जुलता वाला जो है प्रोसेसर जो है Realme का 11 Pro Plus 5G में भी दिया गया। MediaTek का Dimensity 705G वाला प्रोसेसर इसमें भी दिया गया। दोनों ही प्रोसेसर 6nm पे बेस है। और अगर आप अंतुतु स्कोरिंग के बारे में भी अगर बात करें तो 1080 वाला का जो स्कोरिंग लगभग निकल के आता 5 लाख का स्कोरिंग वहां पे निकल के आएगा। और वहीं अगर बात करें Dimensity 7050 के बारे में तो लगभग जो है 5,40,000 का अप्रोक्स वहां पे स्कोरिंग निकल के आता है। लेकिन डे टू डे वाले जितने भी तरह के काम धंधा होता है, इंस्टाग्राम चलिए, फेसबुक चलिए या फिर व्हाट्सएप चलिए या फिर नेटफ्लिक्स में मूवीज वगैरह देखिए, आपको उस केस में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। इवन दोनों में जो है आप मीडियम गेम्स वगैरह भी प्ले कर पाओगे, यानी कि परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हो तो ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे चढ़ा बढ़ा के बोलते होंगे भाई इसमें 705G वाला प्रोसेसर मिल जाता है, नया प्रोसेसर दिया गया, फलाना ढिमकाना, 10 तरह की चीजें आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो कुछ और ही होती है, तो ज्यादा यहाँ पे अंतर नहीं, बस आपको यही हम बताना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं। तो आप भी अपना ओपिनियन जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हर किसी का कमेंट को पढ़ा भी जाता है और रिप्लाई भी किया जाता है। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन में आपको UFS 3.1 का सपोर्ट मिल जाएगा और LPDDR4X वाला रैम यहाँ पे दिया गया। लेकिन वेबसाइट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको जो है LPDDR4X वाला रैम दिया गया या फिर UFS 3.1 का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। Realme का 11 Pro Plus 5G के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो वेबसाइट में मेंशन नहीं कहीं पे भी किया गया, बाद में वो लोग करते तो बात की बात है। लेकिन करण अर्जुन वाला मूवी देखे ना, किस तरह से एक को सपना आता तो दूसरों को भी सपना आता, यानी कि सेम टू सेम वाला सपना, कोई सेंस है। उसी तरह से दोनों का जो डिस्प्ले है ना एकदम सेम टू सेम डिस्प्ले दिया गया है, कोई भी तरह का यहाँ पे चेंजेस नहीं दिया गया। इवन यहाँ पे जो स्क्रीन का साइज है वो भी सेम टू सेम ही रखा गया, 6.7 इंच का फुल HD प्लस वाला यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया। एमोलेड डिस्प्ले दोनों ही में देखने को मिल जाता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट दोनों ही स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा। 10 बिट वाला डिस्प्ले दोनों ही मिल जाएगा और HDR10 का सपोर्ट दोनों ही में आपको देखने को मिल जाता है। और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कर्व डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यानी कि डिस्प्ले के हिसाब से देखते हैं तो ये हाथ आप मेरा देख रहे हैं और ये हाथ देख रहे हैं, जिस तरह से दोनों हाथ मेरा एकदम सेम टू सेम है ना, उसी तरह से डिस्प्ले भी एकदम सेम टू सेम है। जितना बेजल जो है आपको Realme का जो 10 Pro Plus 5G मिलेगा ना, उतना ही सेम बेजल जो है Realme का 11 Pro Plus 5G में भी देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले के मामले में एकदम कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जहां तक बात है कैमरा सेंसर के बारे में, तो Realme जो 10 Pro Plus 5G है उसमें आपको ट्रिपल कैमरा वाला सेटअप मिल जाता है, जहां पे आपको 108MP का मेन सेंसर दिया गया। सैमसंग का सेंसर यूज किया गया HM6 वाला और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड का लेंस दिया गया और 2MP का वही सगुन के तौर पर जो मिलता है मैक्रो लेंस वो
आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। और 16 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेल्फी कैमरा दिया गया। वहीं अगर बात करें 11 प्रो प्लस 5G के बारे में तो वहां पे आपको 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन वहां पे जो मेन सेंसर दिया गया है वहां पे आपका डबल सेंचुरी पूरा कर दिया गया, यानी कि आपको 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया। वहां पे भी जो है सैमसंग का ही सेंसर यूज किया गया है, आइसोसेल HP3 वाला। और सेम वहां पे भी जो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। देखिए रियलमी का जो 10 प्रो प्लस 5G जब लॉन्च हुआ था ना तो इसका कैमरा उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए यहाँ पे मेगापिक्सल तो आपको थोड़ा सा ज्यादा कर दिया गया जो कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। लेकिन यहाँ पे जो है फोटोज और वीडियो जो है थोड़ा सा ज्यादा बेटर जो है आपको 11 प्रो प्लस 5G में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज जरूर से ध्यान रखना कि आपको उतना ज्यादा पे करने की जरूरत है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ 200 मेगापिक्सल के कारण। तो ये चीज आपको जरूर से सोचना है। अब जहां तक बात है बैटरी के बारे में तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो रियलमी का जो 10 प्रो प्लस 5G है उसमें आपको 67 वॉट का जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और आपको एडेप्टर भी जो है इन द बॉक्स मिल जाएगा। वहीं बात करें 11 प्रो प्लस 5G के बारे में तो 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग उसमें सपोर्ट करता है। जहां तक बात है UI और सॉफ्टवेयर के बारे में तो दोनों ही स्मार्टफोन में आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाता है। रियलमी का जो है 4.0 वाला UI आपको दोनों ही स्मार्टफोन में मिल जाएगा। अब देखिए जहां तक बात है अपडेट के बारे में तो 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिल जाएगा, 3 साल का सिक्योरिटी का अपडेट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, रियलमी का जो 10 प्रो प्लस 5G लीजिए या फिर रियलमी का 11 प्रो प्लस 5G लीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको भर भर के ब्लॉटवेयर, भर भर के रिकमेंडेशन, ऐप रिकमेंडेशन और फलाना ढिमकाना सारी चीजें कचड़ा पट्टी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई भी स्मार्टफोन लेना चाह रहे ना तो सबसे पहले जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन को ऑफ कीजिएगा, फलाना ढिमकाना जितने भी तरह की सारी चीजें होती है उसको हटा दीजिएगा अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। क्या ही कर सकते हैं, रियलमी वालों ने यहाँ पे कसम खा लिया कि भाई जितना भी पैसा कमाना है ना वो रिकमेंडेशन और एड से ही कमाना, ऐसा ही लुक सोच लिया। भाई रियलमी वालों ऐसा मत करो, पहले जो आप स्मार्टफोन लॉन्च करते थे इतना बढ़िया 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 प्राइस में अच्छा UI के साथ, ऐसा वाला खेला करो ना भाई। अभी ये क्या नया चोचलाबाजी पाल लियो यार, अच्छा नहीं लगता ना इतना तरह का रिकमेंडेशन झूठ मूठ का। जहां भी हम कुछ भी कर रहे हैं वहां पे आप घुसड़ दे रहे हो रिकमेंडेशन, अच्छा नहीं लगता ना। बात करें अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.2 के साथ आता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ड्यूल सिम का सपोर्ट दिया गया, वाईफाई 6 का सपोर्ट दिया गया और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 3.5 का जैक नहीं दिया गया है दोनों ही स्मार्टफोन में। और जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट सेंसर होते हैं वो सारे सेंसर मिल जाएंगे, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते सीधी बात नो बकवास की, भाई ये दोनों स्मार्टफोन हमको लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और अगर इन दोनों स्मार्टफोन में से दोनों में से आपको कोई भी पसंद नहीं है तो फिर कौन सा लेना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे डिसीजन लेने में आसानी होगा। रियलमी का जो 11 प्रो प्लस 5G है ना 8GB 256GB वाला जो प्राइसिंग रखा गया है वो लगभग 28,000 रुपए रखा गया। अगर आपको ऑफर वगैरह मिल जाता 2015 का डिस्काउंट मिल जाएगा तो 26,000 में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। लेकिन दूसरे तरफ अगर हम देखें रियलमी का जो 10 प्रो प्लस 5G है 8GB 128GB जो वेरिएंट है वो लगभग जो है 25,000 रुपए में आपको देखने को अभी के टाइम में मिल जाएगा। लेकिन ऑफर वगैरह में इसका जो प्राइसिंग है वो लगभग 22,000 से 23,000 रुपए में आपको इजिली जो है ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात करके प्राइसिंग के हिसाब से कौन सा बेस्ट आएगा तो बेशक यहाँ पे जो 11 प्रो प्लस 5G है उसमें आपको थोड़ा सा कैमरा तो आपको बेटर मिल जाता है लेकिन बाकी की सारी चीजें जो है आपको सेम टू सेम ही मिलेगी। बेशक जो है आपको उतना अच्छा बिल्ड एंड डिजाइन तो नहीं मिलेगा जितना प्रीमियम डिजाइन आपको 11 प्रो प्लस 5G मिलेगा ना उतना आपको 10 प्रो प्लस में नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज बस आपको अपने दिमाग में रखना कि अगर आपने कवर यहाँ पे पहना दिया तो फिर कोई भी डिजाइन कितना भी अच्छा हो ना वो फिर कोई मायने नहीं रखता है। तो देखिए अगर आपको बिल्ड एंड डिजाइन के हिसाब से जो है 11 प्रो प्लस ज्यादा पसंद आ रहा तो वो आपकी मर्जी है, आपका पैसा, तो आपका ही डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको प्रोसेसर के हिसाब से देखना है, डिस्प्ले के हिसाब से देखना है, बैटरी के हिसाब से देखना, ओवरऑल एक अच्छा पैकेज चाहिए कम दाम के हिसाब से तो मेरे हिसाब से जो है 10 प्रो प्लस 5G भी अच्छा डील रहेगा अगर आपको 22,000 में मिल जाता है, 21,000 में मिल जाता है। और अगर आपको दोनों में से कोई भी पसंद नहीं आ रहा है ना तो आप रियलमी का X3 भी देख सकते हो। ये स्मार्टफोन को लगभग 2 साल से हम यूज कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बवाल फोन है। 22,000 इसका अभी के टाइम में प्राइसिंग, लेकिन ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, मिलता नहीं। 855 प्लस वाला इसमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ कैमरा इसका बहुत ही ज्यादा बवाल है। बहुत सारी वीडियोज है मैंने इसी स्मार्टफोन से शूट किया। और अगर आपको ये भी नहीं लेना है ना तो रियलमी का 7 प्रो प्लस भी देख सकते हो, बेशक वहां पर आपको कर्व डिस्प्ले नहीं मिलेगा लेकिन ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन आपको वैल्यू फॉर मनी वाला डिवाइस मिल जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं तो एवरग्रीन वाला स्मार्टफोन ले लीजिए ना, रियलमी का 9 प्रो प्लस 5G ले लीजिए, वो स्मार्टफोन भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा स्मार्टफोन है। 22,000 से 21,000 रुपए में आपको इजिली वो स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। कैमरा भी उसका बहुत ही ज्यादा बवाल है, सोनी का सेंसर IMX766 वाला सेंसर यूज किया गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3-4 अल्टरनेटिव्स भी बता दिया और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन भी शेयर कर दिया रियलमी 10 प्रो प्लस 5G के बारे में और साथ ही साथ रियलमी 11 प्रो प्लस 5G के बारे में। अब आप क्या सोचते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन कौन सा रहेगा, बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन कौन सा रहेगा, गेमिंग के लिए कौन सा लेना चाहिए। तो ये चीज तो आप कमेंट कर देते हैं लेकिन वहां पर बजट लिखना भूल जाते, तो अपना बजट भी जरूर से लिखिएगा तभी ना हम आपको कोई भी स्मार्टफोन जो है रिकमेंड कर पाएंगे, समझ रहे ना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अब जाते जाते आप भी खेला कर दीजिए, नीचे ला
लाल वाला बटन है सब्सक्राइब कर दिए, 50 के बहुत ही जल्दी से पूरा करना और आधा केक भी काटना, समझ रहे हैं ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल से रखिएगा।